कि आप जहाँ पर जाकर रहकर आए हैं वहाँ पर आप जाकर बता 5 दिन वहाँ पर रहे हो, और वहाँ पर अगर आपकी ही फैमिली में से उस जगह पर आपकी फैमिली में से कोई बंदा उसके उनके बारे में बात करते जाकर बात है आपको बहुत बड़े, क्योंकि अगर कोई आपको वहाँ पर हमने देखा कि आपकी काफी इज्जत की गई थी, आपको बहुत अच्छे से रखा गया था, और जाहिर से बात अगर हमारे यहाँ से आपकी तरफ से हमारे यहाँ से उनको कोई कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। इस बात का लगा कि आपको 5 दिन के जहाँ पर आप रहकर आए आपको उसके लिए बुरा लगा, लेकिन आपको वो टाइम रहते हैं बचपन से लेकर अब तक जो है आप अपनी माँ के साथ रहे आपको वो चीज उस चीज का बुरा नहीं लगा। आपको उनका नमक है कि आप कह रहे थे कि जो इसका नमक खाता ना फिर उसकी जो है इज्जत करनी पड़ती है, नमक समझ गई। आप अपनी माँ के दूध का कर्ज उतार सकते हो। मैं बोल सकता कि आपने हमारी कैसे तरबियत किया, मैंने कैसे तरबियत की है। अम्मी जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, आपको याद नहीं होगा, मुझे भी किसी ने खैर बताया, मुझे भी आती था, ठीक है। तो अम्मी थोड़ी सी दाल लेकर आया करती थी जो मूंग की होती है, फिर वो नींबू लाती थी, ऐसे वो पापड़ ऐसे वो मतलब थोड़ी सी चीजें लेकर आती थी और उनको बेचती थी, और कपड़े सिया करती थी, और घर का काम सब कुछ, और हम 3 बच्चों को भी संभालती थी, और हमारे कपड़े हमारे खाना पीना हमारा सबसे अच्छा हुआ करता था इसलिए क्योंकि हमारी अम्मी ने हम पर मेहनत किया करती थी। इसके अलावा फिर जब वो कराची हमारे सामने की बात, हमारी माँ ने झाड़ू पोछे किए, हमारी माँ ने वॉशरूम धोए हमारे लिए, मुझे पढ़ाया मेरी माँ ने, इनको इनके साथ इनका घर का खाना वगैरह अम्मी किया करती थी। इस्लाम में तो ये है ना कि अपनी माँ को आप कुछ गलत करते हुए देख लो ना तब भी आपको इतनी याद नहीं है कि आप अपनी माँ को ये भी पूछो कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप हमारे इस्लाम में इसकी याद नहीं है। मेरे सामने की बातें मैं काम किया करती थी, और अम्मी की जो है ना एक बाजू जो है वो इतनी स्वेलिंग होती थी उसको कि वो इतना सूज कैसे था, फिर भी मैं ज्यादा काम किया करती थी वहाँ पे। फिर मैंने बिल्कुल सही काम ही हमारी तरबियत नहीं कर पाई, कैसे करती तरबियत, काम ही कर रही थी ना, घर का काम कौन करता, हमें खिलाता कौन। अबू भी काम किया करते थे, लेकिन अबू के मेरी पढ़ाई एक्सपेंसिव थी, घर के खराजात सब चीजें देखना, तो उसकी वजह से करना पड़ा अम्मी को भी काम करना पड़ा। अम्मी अबू के साथ मतलब वो एक जैसे पार्टनर थे ना, ऐसे ही होता है कि आप दोनों मिलकर जब काम करें तभी घर का जो है सबका चल पाता है। पर मैं समझ सकती हूँ अम्मी ने वहाँ पर आके आपके लिए गलत बोला, ठीक है, उस औरत के लिए गलत बोला, लेकिन आप एक चीज बताओ कि जाहिर सी बात है अम्मी ने जब आपके बच्चों को जब उसने कक्की को देखा कि उसके फेस पर जख्म है, उसके सर पर वो जख्म है, तो अम्मी से बर्दाश्त नहीं, जाहिर सी बात है औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी होती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो जब उसको बुरा लगा उसने आके रिएक्ट किया, ठीक है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि चाचू अनवर और अम्मी की लड़ाई चल रही है, आप आके हमेशा ही चाचू अनवर को डिफेंड क्यों कर रहे हो, आप अपनी माँ को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हो। चाचू अनवर कैसा है ये आप लोग भी जानते हो और ये मैं भी जानती हूँ, ये सब जानते हैं कि चाचू अनवर कैसे इंसान है। ये नहीं कह रही कि आप रिएक्शन ना दो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ, लेकिन आप अपना थोड़ा सा आहिस्ता से धीमे एटलीस्ट इतना तो आप रिस्पेक्ट रखो ना कि भाई वो आपकी माँ है, इतना तो समझो। मैं ऐसे मतलब मैं नहीं चाहती, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके ऊपर बिल्कुल रिएक्शन ना करूं, मैं इस पर बात ही ना करूं, लेकिन मैंने अम्मी को रोते हुए देखा, और वो मेरे सामने में नहीं होती, क्योंकि अम्मी को पता है अगर मैं इसके सामने रहूंगी तो ये ना कोई आगे बात करेगी, तो बोलेगी उनसे लड़ेगी, उनसे आगे लड़ाई करेगी।